नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज की हमारी चर्चा का विषय है गिलोय। क्या है ये गिलोय, कहां पाया जाता है, भारतवर्ष में गिलोय किन किन नामों से जाना जाता है, गिलोय के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हैं, हमें इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं अथवा नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारे पहलुओं का वर्णन करेंगे। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय औषधि के रूप में गिलोय को प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष विभाग ने यह तय किया है कि गिलोय के फायदे को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। गिलोय ऐसा एक पौधा है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में सबसे सम्मानित जड़ी बूटियों में से एक है। गिलोय को वैज्ञानिक रूप में टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहा जाता है। गिलोय को समस्त भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में गुडुची, तेलुगु में टिप्पातीगा, गुजराती में गारो और संस्कृत में अमृत। आयुर्वेदिक चिकित्सा में गिलोय को तीन अमृत पौधों में से एक माना जाता है, अन्य दो है लहसुन और हरित की। ये पान के जैसे दिखने वाला अमृत खाली भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका और बर्मा में भी पाया जाता है। गिलोय के गुण अमृत के समान चमत्कारी है। आयुर्वेदिक औषधि में इसका जड़, तना और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। गिलोय आयुर्वेद का वो वरदान है जो अनेक बीमारियों का एक इलाज है। डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल, एलर्जिक राइनाइटिस, पेट की खराबी, गठिया, लिम्फोमा और अन्य कैंसर्स, रिमोटाइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, बुखार, गोनोरिया, सिफिलिस और अनगिनत अन्य कई बीमारियों का इलाज में महत्वपूर्ण योगदान रखने की क्षमता रखने वाली औषधि है। गुजरात के एक विश्वविद्यालय में लाइफ स्पैन यानी कि जीवन चक्र को बढ़ाने की विधियों पर एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में कुछ मक्खियों पर गिलोय पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे मक्खियों का जीवन काल 85 दिन का हो गया, जो आमतौर पर 25 से 30 दिनों का होता है। गिलोय मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करता है। इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर मानव शरीर के हर अंग के लिए गिलोय एक लाभकारी औषधि है। गिलोय ना केवल शास्त्र ग्रंथों और आधुनिक आयुर्वेदिक साहित्य में डॉक्यूमेंटेड है, बल्कि आजकल वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी इसके स्वास्थ्य लाभ की पुष्टि करने में सक्षम है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने ये निष्कर्ष निकाला कि गिलोय में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव होते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेंट्स वो पदार्थ हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को बढ़ाते हैं। सरल भाषा में कहें तो आम पाचक हैं। आम अर्थात टॉक्सिक, जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है, चाहे वो गलत खान पीन की वजह से हो या फिर वातावरण में प्रदूषण के कारण। गिलोय आपके शरीर से इन टॉक्सिक पदार्थों को बाहर फेंकता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी होती है। आयुर्वेद ने गिलोय को हेपेटाइटिस और पीलिया की स्थितियों में उपयोगी होने के कारण जिगर को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया है। गिलोय को एलर्जिक राइनाइटिस के उपचार में भी उपयोगी पाया गया है। एक ऐसी एलर्जी की स्थिति जिसमें नाक से म्यूकस का स्राव, साइनस कंजेशन और संबंधित लक्षण देखे जाते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने डायबिटीज के इलाज में गिलोय को प्रभावी पाया है, क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। इसके अलावा गिलोय का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभावों के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है। एक अध्ययन में चूहों को गिलोय, आमलकी और गोक्षुरा से युक्त रसायन टैबलेट दिया गया। टैबलेट लेने के पश्चात चूहों की चिंताजनक प्रवृत्ति में कमी आई। जिन महिलाओं को रक्त की कमी होती है यानी कि जो अनीमिया से जूझ रही होती हैं, उन्हें गिलोय के पत्ते का रस दिया जाता है। भारत में गिलोय की चर्चा उस वक्त हुई जब डेंगू का बुखार तेजी से फैल रहा था। तब आयुर्वेद के कुछ जानकारों ने इसकी औषधीय गुण की बात लोगों तक पहुंचाई। गिलोय मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है। हालांकि गिलोय सारी बीमारियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, परंतु
आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकता है, जो अनेक समस्याओं का समाधान है। अच्छी बात यह है कि गिलोय को बीमार व्यक्ति के अलावा स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, बस इसकी मात्रा और लेने का सही तरीका समझने की जरूरत है। आप समझते हैं इसे लिया कैसे जाए। अमृता घृता का आप प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम का सेवन कर सकते हैं। अमृता घृता बनता है गिलोय, घी और अदरक से। यह पारंपरिक आयुर्वेदिक खुराक है। आप गिलोय का स्टेम एक्सट्रैक्ट पानी में भी बना सकते हैं। स्टैंडर्ड डोज 300 मिलीग्राम है, जो दिन में 3 बार ग्रहण किया जा सकता है। गिलोय लेना बिल्कुल ही सेफ है। चूहों को जब 150 से 250 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट गिलोय एक्सट्रैक्ट दिया गया, तो एक हफ्ते के बाद उनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा। आसानी से उपलब्ध ये पौधा बड़ी ही आसानी से घर में लगाया जा सकता है। ये एकमात्र ऐसी औषधि है जो सस्ती होने के बावजूद भी बहुत कीमती है। गिलोय का पौधा लगाना बड़ा ही आसान है। ये किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है और इसे विशेष देखभाल की भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान मॉडर्न रिसर्च से कहीं आगे है, परंतु प्रचार और प्रसार की कमी की वजह से इनके फायदे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इनके विज्ञापन अभी तक नहीं बने। वहीं दूसरी ओर देखें तो अमेरिका जैसे देश हमारी ही जड़ी बूटियों को पेटेंट करवा कर उनसे पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप इस वीडियो को शेयर करके भारतवर्ष में गिलोय का प्रचार करने में हमारी मदद कर सकते हैं? कुल मिला के गुणों का भंडार कहे जाने वाले गिलोय में बीमार को स्वस्थ बनाने और स्वस्थ को और तंदुरुस्ती प्रदान करने के गुण हैं। आप अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करके अपनी और अपने परिवार की सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और विज्ञान से संबंधित चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।